हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल सुजाता किचन एंड लाइफस्टाइल में, और मैं हूँ सुजाता। तो आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ बटाटा पूड़ी। तो उसके लिए हमें पहले पूड़ियाँ बनानी होंगी, जिसको हम पापड़ी भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने छान कर मैदा ले लिया है, 250 ग्राम के करीब है ये। और इसमें थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से नमक डालना है, सिर्फ नमक डालेंगे, और सादे पानी से उसको गूंद लेना है। तो देखिए मैदा गूंद चुका है, अब इसको आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है, मैदा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो हम इससे छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और फिर उसको पतला पतला बेलेंगे छोटी छोटी। देखिए पूड़ियां बना लेंगे, ओके, पतली पतली। और इसे फोक या चाकू की मदद से छेद कर देंगे इसमें। ये छेद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फूल जाएंगी तो हमारी पूड़ियाँ सारी क्रिस्पी नहीं पूड़ियाँ बन बनेंगी। चुकी हैं और और हम इसको देखिए तलेंगे। सारी बेल लिया है तो मैंने, चलिए तलते तो हैं। अब इसको तलेंगे। मैंने तेल चढ़ा दिया था, अब इसमें मीडियम आंच में ही हम सारी पूड़ियों को तल लेंगे दबा दबा के। देखिए फ्रेंड्स, इसको दबा दबा कर तलना चाहिए, जिससे कुरकुरे बनेंगे हमारे पूड़ियाँ। देखिए गोल्डन ब्राउन होने लगा है, सारी अपनी पूड़ियाँ तल लेंगे। बहुत आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, बस इसको पापड़ी बनाकर डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। 15 से 20 दिन ये आराम से चलेंगी। और जब भी आपको खाने की इच्छा हो फटाफट बनाइए, या कोई गेस्ट आ गया आप फटाफट सर्व कर सकते हैं। देखिए सारी पापड़ी तल चुकी है, अब हमें चाहिए सर्व करने के लिए उबले आलू लिए हैं मैंने, जिसको बारीक काट लिया है। और ये प्याज, धनिया पत्ता, धनिया की चटनी है, इमली की चटनी है, और खट्टी वाली, और टोमेटो सॉस है। चलिए हम सर्व कर लेते हैं। प्लेट में पापड़ी रखेंगे, ऊपर से उबले वाले आलू डालेंगे और सफ़ेद नमक डालेंगे, फिर काला नमक भी डालेंगे, और फिर इमली की चटनी और धनिया पत्ता की चटनी, फिर प्याज डालेंगे और फिर हम इसमें ऊपर से थोड़ा और काला नमक डाल देंगे, और टोमेटो सॉस के साथ हम इसको पूरा करेंगे। धनिया पत्ती और सेब, सेब डाल दिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बटाटा पूरी बनकर रेडी हो चुका है। आप बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कैसा लगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।